नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विशाल भंडारे के साथ में श्री राम कथा का समापन, यह जानकारी प्रवक्ता बलवंत रघुवंशी ने मीडिया को दी। रघुवंशी प्रवक्ता सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति एवं श्री राम कथा आयोजन समिति जमुरी भेल भोपाल। सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति पिछले 5 वर्षों से भगवान श्री राम के चित्रण का बखूबी यहाँ प्रस्तुत करती है। 5वें वर्ष पूज मुरलीधर जी महाराज जोधपुर राजस्थान से पधारे हैं, उनके श्रीमुख से पूरे 9 दिन भगवान श्री राम के रस का वर्णन किया गया। निश्चित रूप से जब भरत चतुर महाराज जी ने सुनाया था तो पूरा पंडाल आंसुओं से लबालब हो गया था। हर शख्स के, हर राम भक्त के आंखों में आंसू थे और बहुत ही मार्मिक तरीके से पूज मुरलीधर जी महाराज राम कथा का वर्णन करते हैं। हमारी समिति के सामान्य अध्यक्ष रमेश रघुवंशी जी, उपाध्यक्ष भाई हरीश बाधवी, महामंत्री ललित पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष हीरालाल गुर्जर और कोषाध्यक्ष मिथिलेश गौर जी और हमारी सारी समिति के पदाधिकारियों ने पूरे मेहनत से कार्य किया है। निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता, एक एक राम भक्त बधाई का पात्र है। उनके सहयोग के बिना इतना बड़ा आयोजन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के सारे बुजुर्ग लोग हमारे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है तो हम जैसे युवा लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इस बार तो हमारी समिति के भाई विजय कुमार दुबे जी ने भगवान राम जी की बड़ी प्रेरणा से बहुत बड़ा पंडाल, जो डोम देख रहे हैं, यह डोम समिति के ही सदस्य भाई विजय दुबे जी ने तैयार किया है। तो निश्चित रूप से अगले वर्ष हमारे कथा में और ज्यादा 4 चांद लगेंगे। और इस वर्ष तो हम खुशी की बात हमेशा कहते हैं, प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, उसके पूर्व यह राम कथा ये मौके में एक अनुकरणीय है। और अभी भी आप जो ट्रेंड भी देख रहे हैं, भगवान श्री राम के भक्तों का कहीं ना कहीं चमत्कार होने वाला है। निश्चित रूप से मैं आप सबको, आपके चैनल के माध्यम से भारतवासियों को, सत्य सनातन धर्म को मानने वालों को, सभी को बधाई दूंगा और सभी को एक निवेदन जरूर करूंगा कि सत्य सनातन मानने वाले हर व्यक्ति के माथे पर यदि तिलक हो और मुंह में राम राम के अभिवादन हो तो निश्चित रूप से ये 4 चांद हमेशा लगे रहेंगे। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। बलवंत सिंह रघुवंशी, प्रवक्ता सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति एवं रामकथा आयोजन समिति जमुरी भेल भोपाल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।